जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चंस पे बहुत बार बार बातें की गई हैं, पूछा गया है कि सर इस क्वेश्चंस का थोड़ा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन ये रियल एनालिसिस का है, जिसका क्वेश्चन आईडी हमारा 513 है। देखते हैं इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या है। बहुत सारी स्टूडेंट्सों की बात आई कि सर इस क्वेश्चंस का थोड़ा जो है डीपली जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाए। तो चलते हैं, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। देखते हैं कि क्वेश्चंस की डिजाइनिंग CSIR नेट वाले कैसे किए हैं। इस पे लेट वाई बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट ऑफ Rn। ठीक है कि वाई जो है मेरा कोई बाउंडेड ओपन सबसेट ऑफ Rn का है। एंड लेट वाई बार डिनोट्स, पता है वाई बार कॉमन है, वो तो क्लोजर है, इट्स क्लोजर। वाई का क्लोजर जो है वाई बार लिखते हैं। लेट जो यूजे है बी द कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स इन Rn। Rn में हमारा जो है ओपन सेट्स है, सच दैट कि क्लोजर ऑफ y कंटेंड इन द यूनियन ऑफ दिस ओपन सेट्स। मतलब कि जो y का जो क्लोजर है इस जो ओपन सेट्स के यूनियन में वो कंटेंड हो जाता है। ये दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। पहला कि y बाउंडेड ओपन सबसेट है Rn का, दूसरा है इसका क्लोजर जो है कलेक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ द ओपन सेट में कंटेंड होता है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स J1, J2 एंड आल्सो वन Jn सच दैट वाई कंटेंड इन यूनियन ऑफ दिस। सेकेंड है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट वाई कंटेंड इन जे वेरी फ्रॉम 1 to n यूज ए यूनियन ऑफ दिस। थर्ड है कि फॉर एवरी सब सिक्वेंस J1, J2 एंड आल्सो वन वाई कंटेंड इन दिस। उसके बाद है देयर एग्जिस्ट ए सब सिक्वेंस वाई इज इक्वल टू दिस मच, क्लोजर ऑफ वाई इसमें कंटेंड करता है। और क्वेश्चंस की जो डिजाइनिंग है, जो पूछा गया है वाई को लेकर के पूछा गया है कि वाई जो है किस में कंटेंड करेगा या किसके इक्वल होगा। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस बना है ना, एक बड़ा फेमस रिजल्ट पे है रियल एनालिसिस का, वो कॉम्पैक्ट सेट के, या यू कहें कॉम्पैक्ट सेट की डिफिनीशंस है। और कॉम्पैक्ट सेट की डिफिनीशंस जो हमारे हेन बोरेल थ्योरम से निकल के आती है, उसी पर इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो देख लेते हैं पहले हेन बोरेल हमारा रिजल्ट्स है, थ्योरम है, वो क्या कहता है और उस थ्योरम का कितनी खूबसूरती ढंग से यूज करके इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, उसकी भी बात हम लोग कर लें। क्योंकि मुझे इसकी बात तो डीपली ही करनी है। जो ऑप्शंस हैं उसको सही या गलत करने में भी मेरा बड़ा कोई इसमें वो नहीं है, कौन सही है क्या गलत है। इसके कंसेप्ट की पूरी बात हो जाए तो बाद में ऑप्शंस तो आ ही जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट इसका ये कहता है, रिजल्ट ये है कि इफ यस बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड, यही क्लोज्ड और बाउंडेड कॉम्पैक्ट को क्रिएट करता है, सबसेट ऑफ Rn, Rr का हो, सिंपली रियल नंबर कहीं भी किसी भी डायमेंशंस में, सब डायमेंशंस के लिए हमारा हेन बोरेल थ्योरम है, देन फॉर एवरी ओपन कवर ऑफ यस देयर एग्जिस्ट ए सब कवर, फाइनाइट सब कवर। अब इस रिजल्ट का मतलब क्या है, कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल टच दें कि इस रिजल्ट को हम अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। इसका सिंपली मतलब ये है इस रिजल्ट का कि अगर यस आपके पास कोई क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट Rn का है या R का है, तो यस कंटेंड इन C, वेयर C बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, जिसको हम लोग ओपन कवर भी कहते हैं। अगर ओपन सेट में हमारा कोई सेट कंटेंट हो गया तो हमारा ओपन कवर का हमारा जो कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो यस कंटेंट इन सी ऐसा अगर है तो यह सी अपने पास हमेशा एक फाइनाइट सब कवर रखेगा। मतलब यह है कि यस कंटेंट इन देयर एग्जिस्ट ए नंबर पॉजिटिव नंबर
जीवन यूनियन जी टू यूनियन एंड आर्ट्स वन यूनियन, ये हमारा जी एम, एल्फा इज इक्वल टू वन टू एंड आर्ट्स वन, ये प्रैक्टिकल मीनिंग इसकी यही है कि अगर यस आपके पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट आर्यन का है तो यस हमेशा एक कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ द ओपन सेट में वो कंटेंट कर जाएगा, ये इसका मतलब होता है। हेन बोरेल का हमारा जो कंसेप्ट है, जो रिजल्ट है, उसका मतलब यही है। अब यहाँ जरा आप क्वेश्चन को देखिए, इस रिजल्ट को कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन में यूज किया गया। वाई तो हमारा बाउंडेड ओपन सेट है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वाई बार सबको पता है कि वो क्लोजर जो होता है ना, वो हमेशा किसी भी सेट का जब आप क्लोजर निकालते हैं तो ऑलवेज क्लोज हो जाता है, तो वाई बार इज द क्लोज्ड हियर। अब ये जो क्लोज्ड सेट है और बाउंडेड भी है, सिंस यहाँ बाउंडेड की बात लिखी है ना यहाँ, तो अगर सेट कोई क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो हेन बोरेल थ्योरम उस पर काम कर जाएगा। देखिए जैसे कि ये जो मेरा वाई बार होगा इज व्हाट, इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। वाई बार हमेशा क्लोज्ड होता है क्योंकि वाई बार जो क्लोजर ऑफ वाई है, वाई यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट वाई, ये हमेशा क्लोज्ड होता है ऑलवेज। और यहाँ जो वाई है ओपन है और ये बाउंडेड है, तो दिस इज द वाई बाउंडेड हियर, तो जब क्लोजर ऑफ वाई निकालेंगे तो भी बाउंडेड होगा। कहने का मतलब क्या है कि वाई बार जो होगा बाउंडेड होगा और हमेशा क्लोजर जो होता है क्लोज्ड होता है, तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया। अब अगर कोई सेट आपके पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया और साथ साथ ही जो कंडीशन यहाँ दी हुई है कि वाई बार कंटेंड इन व्हाट यूनियन जे वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटिव यूजे, इसमें कंटेंट है। अच्छा, और यूजे हमारा क्या, व्हाट इज द यूजे, यूजे इज द व्हाट ओपन सेट। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है कंटेंट इन द व्हाट ओपन कवर, दिस इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ये क्लोज्ड जो बाउंडेड सेट है ये ओपन कवर में हमारा कंटेंट कर रहा है। तो फिर बाई हेन बोरेल थ्योरम क्या कहेगा कि जो वाई बार हमारा है ये देयर एग्जिस्ट डिफरेंटली, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट करेगा कोई भी एन नियम जो भी लिखना है एन, कैसा कि जो यू जे वन यू जे टू एंड आर वन यू जे एन, कैसा होगा भाई कि वाई बार कंटेंड इन यू जे वन यूनियन यू जे टू यूनियन एंड आर्ट्स वन यूनियन यू जे एन। हम एंसर टिक करने के बहुत फेवर में नहीं है, चीज़ों को क्लियर करते हैं ऑटोमेटिक, क्या सही है क्या गलत है वो आईने की तरह साफ हो जाएगा। हमने इस रिजल्ट को कहाँ से लिखा, हेन बोरेल थ्योरम से, कि वाई बार हमेशा डिफिनेटली एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा कि जो इसमें कंटेंट कर जाएगा, इज इट क्लियर हियर। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है ना वाई पे दिया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक बड़ा कॉमन सेंस है ये इस स्तर पे कि अगर ए यूनियन बी कंटेंड इन हमारा अगर डी में है दिस, तो पक्का ए कंटेंड इन डी भी होगा और बी कंटेंड इन डी होगा, राइट, क्योंकि यूनियन अगर किसी सेट में कंटेंट करता है तो यूनियन जिन पार्टों से मिलके बना है वो पार्ट तो ऑटोमेटिक कंटेंट करेंगे। अभी सस्तर का दिस इज द कॉमन सेंस हो गया, आप द सेट थ्योरी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो ए भी डी में कंटेंट करेगा और बी भी डी में कंटेंट करेगा, ठीक है। वाई बार को हम लोग जानते हैं कि वाई यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट वाई कंटेंड इन यू जे वन यूनियन यू जे टू यूनियन एंड आर्ट्स वन यू जे एन, ओके। यूजिंग दिस कंसेप्ट हमें अब वाई चाहिए, हमसे वाई डैश में हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वाई डैश के बारे में कोई बात नहीं की गई है कि जो वाई का जो लिमिट पॉइंट है उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हालाँ इस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है और अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होकर के यहाँ जो है हेन बोरेल रिजल्ट से निकलेंगे। बहरहाल हम अभी इससे फोकस नहीं है, हमारा काम इस पर है क्योंकि क्वेश्चंस में जो हमारा प्रश्न जो पूछा गया है वो वाई पे है।
तो अगर वाई यूनियन वाई डैश इसमें कंटेंट करता है तो निर्विवाद रूप से वाई कंटेंट इन यू जे वन यूनियन यू जे टू यूनियन एंड आर्स वन यू जे एन। ओके, वाई को इसमें कंटेंट करना ही पड़ेगा, मतलब कि जो यू है एक हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ द ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेगा जिसके यूनियन में यू मेरा कंटेंट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन। अच्छा यही नहीं, इसके जो हमारे सब सीक्वेंस जो कुछ और जो नंबर्स होंगे, हो सकता है कि ये इसमें कंटेंट कर रहा हो, तो हो सकता है कुछ हटाने के बाद भी कंटेंट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वाई बार कंटेंट इज द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द व्हाट ओपन सेट्स। ठीक है, दिस इज द राइट हियर। अब देख लीजिए आपका कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट वाई इसमें कंटेंट करेगा 100% फाइनाइट नंबर। जब आप बावे देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ऑलरेडी होगा, ऑलवेज हैपन हियर, दोनों हैपन होगा इसी रिजल्ट से, दोनों 100%। हाँ, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में थोड़ा दम है, अब हम उसकी ही बात करने जा रहे हैं, बाकी फर्स्ट सेकेंड में तो कुछ था ही नहीं, ये तो ही केवल हेन बोरेल जो हमारा रिजल्ट है, जो कॉम्पैक्ट सेट की जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन से ही हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड निर्विवाद होता है। अब थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। अब यहाँ देखिए फोर्थ को अगर देखें, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट सब सिक्वेंस, क्या एक ऐसा कोई सब सिक्वेंस जे वन जे टू एंड आर्स वन एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो मैं यूएन की जो डिजाइनिंग होगी, जो ओपन सेट जो बनेगा, उस ओपन सेट में, मतलब ये जो कंडीशन दी हुई है कि यूजे का जो क्या ऐसा कोई सब सिक्वेंस हमें मिलेगा कि वाई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दैट सब सिक्वेंस हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, क्या उस ओपन सेट का। थर्ड में है फार इवरी सब सिक्वेंस, लीजिए अब यहाँ फार इवरी कह दिए, फार इवरी सब सिक्वेंस वी हैव वाई कंटेंट इन दिस, ये फार इवरी कह के ना क्वेश्चंस का अगर जो खतरनाक स्तर पे पहुँचता वो इजी हो गया है। तो देखिए फार इवरी में नहीं होगा, वो तो हम बड़े इजीली वे में बात कर सकते हैं, ये तो हो गया 100%, ये तो सबको पता है ना, एक यूनियन बड़ा होता जाता है, जब बहुत सारे सेटों का आप यूनियन लेते हैं तो उसका आकार बड़ा होने लगता है, इंटरसेक्शंस में आकार छोटे होने लगते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि फार इवरी, क्या ऐसा है क्या, तो इसके लिए बहुत सारे हम क्वेश्चंस की डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे हम काउंटर एग्जांपल्स भी रख सकते हैं, जैसे वहाँ लिखा है फार इवरी सब सिक्वेंस वाई इज इक्वल टू दिस मच, वाई कंटेंट इन दिस मच, या देयर एग्जिस्ट सब सिक्वेंस इज दिस मच। अब यहां अगर देखा जाए, चलते हैं एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहां यूएन ले लिया, एक 2-1/n and 3+1/n, राइट, एन बिलोंग्स टू एन। अगर हम इस पूरे ओपन सेट को क्रिएट करें, एन इज इक्वल टू 1 लिखें तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 आएगा, दिस इज द 1, यहाँ अगर 1 लिखें 4, पूरा एक बार क्लियर कर दें इसको ना, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ तो मान लीजिए 0.5 नियर अबाउट मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ये 1.5 हो जाएगा दिस, और यहाँ अगर ये 3.5 हो जाएगा, ठीक है, ओके, अगर मैं 3 लिखूँ तो 1.3, तो यहाँ 1.7 लिखें, नियर अबाउट ले रहे हैं, और यहाँ 3.3 हो जाएगा, ठीक है। 4 को अगर मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा, तो 0.25, तो यहाँ 1.8 की आयत आएगी नियर अबाउट, और यहाँ 3.2। अगर यन इन्फिनिटी की ओर मैं अटेंड कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, तो दिस इज द 2 हियर, और यहाँ जो मेरा होगा ये 3 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं U1 यूनियन U2 यूनियन U3 यूनियन एंड आर्ट्स वन सबका अगर मैं यूनियन निकालूं, तो देख रहे हैं सबसे बड़ा मेरा ये है, तो पहले काग दो लिख लें, फर्स्ट मेरा हो गया U1 1.4 हो गया, ओके, U2 मेरा क्या हो गया 1.5, और इस काउंटर एग्जांपल को नोट भी कर लें क्योंकि बहुत काम आएगा इनके, ऐसे क्वेश्चनों की बार बार डिजाइनिंग CSIR वाले करते रहते हैं। ये 1.7 अगर मैं लिखूं यहाँ तो 3.3, ठीक है, यूनियन 1.8 अगर मैं लिखूं तो यहाँ हमारा 3.2, ठीक है, यूनियन एंड आर्ट्स वन, और फाइनली
ये यूनियन मेरा बनेगा 2, 3 का। अगर मैं इसको इक्वल की बात करूं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो देखिए यूनियन में जो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा मेरा 1 से 4 है, तो 1 से 4 आ जाएगा। दिस हो गई बात है, ओके। यहाँ कहा है कि फॉर एवरी सबसिक्वेंस दिस वाई कंटेंड इन दिस मच, क्या ऐसा है क्या? तो चलते हैं देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक पिकअप कर लूँ, U2 इज इक्वल टू 1.5, इसको मैं Y नाम दे दे रहा हूँ, टेकिंग दिस इज द Y, Y इज इक्वल टू 3.5। तो क्लोजर ऑफ दिस 1.5 निर्विवाद रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज द क्लोजर, एंड 1.5 कंटेंड इन दिस, यही बात है। देख लीजिए कि वाई बार जो ये वैल्यू मेरी मिलेगी कंटेंड इन यूनियन ऑफ दिस, इसमें कंटेंट कर रहा है, वैसे भी देख लीजिए ना ये 1.5 है एंड 3.5 है, ये नंबर 1, 4 में तो कंटेन ही कर रहा है, हो गई बात है। अब यहाँ कह रहा है कि फॉर एवरी सबसिक्वेंस, यहाँ जो खेम खेली गई है फॉर एवरी सबसिक्वेंस, यहाँ आइए देखिए, इसमें से मैं एक सबसिक्वेंस छांट सकता हूँ, कहाँ से? आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से पिकअप कर लीजिए, ये पूरा पिकअप कर लीजिए, उठा लीजिए, कौन कौन है ये आपका, ये U3 है, ये आपका U4 है, एंड आर्ट स्वान। कैसा है सबसिक्वेंस कि U3 यूनियन U4 यूनियन एंड आर्ट स्वान अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी भाई, यही आ जाएगी 1.7, 3.3, इसका यूनियन आ गया। अब ये जो वाई मेरा है 1.5, 3.5 डज नॉट कंटेंड इन 1.7, 3.3, राइट। ये बड़ा वाला ये छोटे में कहाँ कंटेंड करेगा, कभी नहीं। फॉर एवरी सबसिक्वेंस लिख करके क्वेश्चन को हल्का कर दिया गया है, सभी सबसिक्वेंस के लिए नहीं हो सकता, फॉर एवरी सबसिक्वेंस नहीं, नो। तो दिस इज द रॉन्ग ईयर, एक काउंटर एग्जाम्पल हमने दे दिया, बहुत सारे ऐसे काउंटर एग्जाम्पल बनेंगे जो उस कंडीशन को धराशायी कर देंगे। तो ये बात हो गई पक्का। अब उसके बाद हमारा जो यहाँ फोर्थ जो ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट ए सबसिक्वेंस, क्या कैसा है इसमें सबसिक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, हम इसकी बात लिख सकते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट कि वाई बार इसमें कंटेंट हो रहा है, वो वाई है जहाँ वाई बार इसमें हमारे ओपन सेट्स में कंटेंट कर रहे हैं, तब वाई की बात की गई है। तो जरा देखिए क्या ऐसा हो सकता है क्या, अब अगर मैं y यहाँ लिखूं, y इज इक्वल टू दिस, क्या ऐसा संभव है क्या? तो क्या हो गया, U1 यूनियन U2 यूनियन U3 यूनियन एंड आर्ट्स वन, राइट। अभी हमने एक चीज़ प्रूफ की कि इस कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो हेन बोरेल ये कहता है कि इनमें से फाइनाइट नंबर ऑफ द ओपन सेट निकलेंगे, कि जो y जो है कंटेंट कर जाएगा, इसमें से कोई फाइनाइट निकलेंगे जो y उसमें कंटेंट कर जाएगा। अब वो यूनियन आप लगा रहे हैं तो बड़ा होता जाएगा। तो मान लीजिए विदाउट लॉस ऑफ द जनरलिटी हम यहाँ ले रहे हैं कि un तक ये y कंटेंट करता है, y इक्वल आता है, अब इसके बाद भी यूनियन है, तो y इज इक्वल टू y यूनियन ऑफ um+1 यूनियन um+2, राइट। दिस बहुत सारी चीज़ें हमारी आएंगी इसके बाद, वाई और इज इक्वल आप बात कर रहे हैं, कंटेंट इन की बात होती तो होती, अब वाई इतने ही वाई हो गया, बाकी ये कहाँ गए, इसमें भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो क्या कभी ये इसके इक्वल हो सकता है क्या? अगर ये नहीं होता तब तो ये बात हो कह सकते थे, बट यूनियन के बाद भी बहुत सारे हैं, कुछ होंगे ही इसमें एलिमेंट, तो यूनियन जब भी लगाएंगे तो ये जो सेट जो बनेगा इससे डेफिनेटली बड़ा होता जाएगा ना, छो इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, नेवर, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, किस रिजल्ट के बेस पे कह रहा हूँ, मैं इस पे कह रहा हूँ कि अभी हमने कहा कि भाई जो बोरेल मेरा रिजल्ट है, यू के कुछ ऐसे फाइनाइट सेट ही मिलेंगे जो वाई के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ और भी आप यूनियन यू के लगा दिए हैं तो फिर ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन होगा वो डेफिनेटली वाई से बड़ा हो जाएगा। अब y से बड़ा अगर कोई सेट है तो y के इक्वल कहाँ होगा, y उसमें कंटेंट कर सकता है, तो जो इसका ऑप्शन जो मेरा ये होगा, देखिए कैसे इनकी धज्जी उखड़ गई। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है बात
पूर्णतः वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी उसके बाद अगर कोई डाउट है और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं, उसका डेफिनेटली हम जवाब देंगे। जैसे इस क्वेश्चंस का बार बार जवाब मांगा गया था तो हमने इस क्वेश्चंस को पूर्ण रूप से सॉल्व करने का प्रयास किया है। बावजूद इसके अगर कहीं कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाइए, हम स्वागत करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।